हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे वीडियोस डाल रही हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आज हम भारत के विभिन्न राज्यों की बात कर रहे हैं। और देखिए, भारत आज़ादी के बाद से जैसा आज है ना, वैसा नहीं था। उसके अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे, उन सबका गठन किया गया, एक समिति बनाई गई। और ये गठन जो करने वाली समिति थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो आज हम राज्यों के गठन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम देख रहे हैं नए राज्यों का गठन और उनके गठन वर्ष, ठीक है। तो जैसे हम आज भारत देख रहे हैं, भारत में क्या है, वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से नए राज्य हैं जिनका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ और कब कब हुआ। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि नए राज्यों का गठन और उनके गठन वर्ष जो हैं, वो राज्य और के नाम और उनके आगे गठन वर्ष लिखा है। आंध्र प्रदेश, इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 में। फिर है महाराष्ट्र, 1 मई 1960। गुजरात, 1 मई 1960। नागालैंड, 1 दिसंबर 1963। हरियाणा, 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971। मेघालय, 21 जनवरी 1972। मणिपुर, 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। सिक्किम, 26 अप्रैल 1975। मिजोरम, 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987। इसके बाद जो राज्य बने, तब तक तो 24 राज्य हो गए थे, उसके बाद 25वां राज्य था गोवा, और इसका गठन हुआ 30 मई 1987 में। छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड, 1 नवंबर 2000। झारखंड, 1 नवंबर 2000। और सबसे नवीनतम है तेलंगाना, जिसका कि गठन 2 जून 2014 में हुआ। तो इस तरह आपने देखा, ये विभिन्न राज्य हैं और उनका गठन हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ बने रहिए, नई नई फैक्ट लाऊंगी। थैंक यू।